हाय पीपल, दिस इज तैमूर खान। हमारे साथ मौजूद है शुएब बुखारी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑनर 10 लाइट के बारे में, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। शुएब पर्सनली ये फ़ोन यूज़ कर चुके हैं। मेरे माइंड में कुछ सवाल हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में। जी शुएब, आप हमें बताएं कि इसके बेस्ट फीचर्स क्या हैं इस फोन। थैंक यू तैमूर। ऑब्वियसली रिसेंटली इस डिवाइस को, जैसे कि तैमूर ने बताया, लॉन्च किया गया है। ऑनर की एक नई मिड रेंज डिवाइस है ये, ऑनर 10 लाइट के नाम से। और इसके बेस्ट फीचर्स आपको बताता चलूं कि मिड रेंज स्मार्टफोन में हमें इसमें एंड्रॉइड 9.0 मिलता है, लेटेस्ट चिपसेट मिलता है हाई सिलिकॉन कियरन 710 का, और इसमें हमें इसी के साथ मिलती है 3400 एमएएच की बैटरी। जी शुएब, इस फोन के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में कुछ बताएं हमें। अगर बात करें स्मार्टफोन के लुक्स एंड डिजाइन की, तो पर्सनली स्मार्टफोन के लुक्स एंड डिजाइन मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि 6.21 इंच डिस्प्ले है इसका। और रेजोल्यूशन की अगर बात करें, तो इसके 1080x2340 रेजोल्यूशन है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस स्मार्टफोन की है कि ये ड्यूल ड्रॉप नॉच के साथ हमें प्रोवाइड किया गया। अब इसके कैमरा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताएं इसके कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी है। इसके कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इसी के साथ आपको ये बताता चलूँ कि इसमें ड्यूल रियर कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल विद अपर्चर f1.8, और सेकंड कैम है इसका 2 मेगापिक्सल फॉर डेप्थ सेंसर। और अगर फ्रंट कैम की बात करें, तो इसका फ्रंट कैम मिलता है हमें 24 मेगापिक्सल, और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने इसे कुछ पिक्चर्स ली हैं और बहुत क्लियर पिक्चर्स आई हैं, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इस स्मार्टफोन के कैमराज का। जी शुएब, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो सबसे पहले मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस है 38,999, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, क्योंकि ट्रेंडिंग है आजकल हर स्मार्टफोन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है हमें। तो ऑनर ने भी ये कोशिश की है कि इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वो फीचर्स प्रोवाइड किए जाएँ मिड रेंज स्मार्टफोन होने के बावजूद। इसमें हमें फेस डिटेक्शन भी मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, एक्सेलेरोमीटर, गायरो, और वो सब फीचर्स मिलते हैं जो दूसरे स्मार्टफोन में प्रोवाइड किए जाते हैं। जी शुएब, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ बताएं। अगर इस पर कोई गेम प्ले करें, तो किस तरह परफॉर्म करता है ये। तो भैया, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इसमें OS Android 9.05 मिलता है, और इसी के साथ मिलता है हमें चिपसेट हाई सिलिकॉन कियरन 710, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है। और इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि इसमें हमें CPU मिलता है ऑक्टा कोर 4x2.2 GHz, और अगर GPU की बात करें, तो इसमें GPU मिलता है माली का G51 MP4। और मुझसे तैमूर ने पूछा कि इसकी गेमिंग के मुतालिक मुझे बताएं, तो इसमें मैंने पबजी खेली और बहुत सी दूसरी मुख्तलिफ गेम्स खेली हैं, तो इसमें कोई लैंग हैंग का ऐसा इशू नहीं है, ना ही बैटरी ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट था, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था इस पर गेम खेलने का। एक तो मुझे मज़ा इसलिए भी आया क्योंकि फुल व्यू डिस्प्ले है और ड्यूल ड्रॉप नॉच के साथ है, तो मैंने अपनी गेम को भी इन्जॉय किया और इसके रेजोल्यूशन को भी इन्जॉय किया। और वैसे इसी के साथ आपको इसकी बैटरी के मुतालिक भी मैं बताता चलूँ, तो इसमें हमें 3400 mAh की नॉन रिमूवेबल लिपो की बैटरी मिलती है, और इसका एंड्योरेंस रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि पर्सनली मैंने इसको यूज़ किया और मैंने इसको मल्टीटास्किंग में भी देखा है, गेमिंग में भी देखा है, तो इसने कोई लैंग हैंग का ऐसा इशू नहीं किया और ना ही ज़्यादा ड्रेनेज की है। इसके अलावा मैंने इसको कॉलिंग पर भी चेक किया और इंटरनेट ब्राउजिंग पर भी चेक किया, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड रहा हूँ स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ से। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी डिस्कशन आज की ऑनर 10 लाइट के बारे में, जिसके रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर किए शुएब बुखारी ने। नेक्स्ट टाइम आएंगे एक नई डिवाइस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।